बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपना स्टार्ट कर दिया था, एंड डिड वी डू वेटेड एवरेज। हमने वेटेड एवरेज भी कंप्लीट कर लिया था, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से वेटेड एवरेज वो भी हमारा हो गया था, राइट। तो हम लोगों को आज देखना है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हमें देखना है फीफो को, और अगेन उसमें भी हमें देखना है वेटेड एवरेज को। तो इतनी बात तो मैंने आपको ये बता दी थी कि आपके पास कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या कॉस्ट किसी भी चीज का, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड जितने भी कॉस्ट के आइटम्स हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, इसको कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, राइट। जिसमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, फीफो प्लस पीरियोडिक, वेटेड एवरेज प्लस पीरियोडिक, और अभी हमें देखना है फीफो प्लस परपेचुअल और वेटेड एवरेज प्लस परपेचुअल, ठीक है जी। तो इसको अभी करते हैं। ठीक, आप बैठ गए। तो ये अभी हम लोगों को करना है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर फीफो के साथ। अब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में जब हम लोग स्टॉक की बात करते हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास एक चीज कहलाती है, हमारे पास एक चीज इन्वॉल्व हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्टॉक लेजर कार्ड, ठीक है। अब स्टॉक लेजर कार्ड कैसे बनता है वो अभी हम इसको सीख लेते हैं। स्टॉक लेजर कार्ड के अल्टरनेट नामों में बिन कार्ड भी शामिल है। बिन कार्ड हो सकता है आपको कहा जाए कुछ बुक्स में, इंडियन ऑथर्स की खास तौर पे बुक्स में जो है इसको बिन कार्ड भी कहा जाता है। तो ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लेकिन ये यूनिक चीज नहीं है। हम आगे जाके एक सवाल ऐसा देखेंगे कि उसमें पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम होगा, लेकिन उसमें भी वो उसने आपको स्टॉक लेजर कार्ड बनाने को कहा हुआ होगा, या क्वेश्चन में दिया होगा, और आपने उसको जी बिल्कुल बिन कार्ड। तो ये बेसिकली क्या चीज है, दिस इज नथिंग अदर देन प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए ये है, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन है। परपेचुअल में मैंने आपको ये कहा था, परपेचुअल में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपके पास परपेचुटी में, यानी कि कंटिन्यूसली आपका जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है वो अपडेट हो रहा होता है। अब जैसे अगर आप कल वाली देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे, तो उसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी मुझे बता दें कौन से महीने की हम बात कर रहे थे, अप्रैल, बिल्कुल अप्रैल। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे आप बताएं कि 6 अप्रैल को कितने यूनिट्स इन हैंड थे, और उन यूनिट्स इन हैंड की कॉस्ट कितनी थी, आप अपनी जरा कैलकुलेशंस में देखें, हमने कहीं पे भी 6 अप्रैल की कहीं पे हमने वर्किंग की भी है? नहीं। क्या हमने कहीं पे 5 अप्रैल की क्लोजिंग यूनिट्स निकाले हुए और उन क्लोजिंग यूनिट्स की कॉस्ट निकाली हुई है? नहीं। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल मंथ एंड, सिर्फ हमने मंथ एंड पे आके देखा कि पोजिशन क्या है इन्वेंट्री की ऑन अ टोटल बेसिस, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग द मंथ क्या हो रहा है, इन्वेंट्री का लेवल कितना है, हम ये बात नहीं बता सकते। कौन से सिनेरियो में? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, है ना। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था कि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर उस पीरियड के बीच में मैं अगर आपको बोलूं कि जी मुझे इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बताएं, तो आप कहेंगे कि हमें नहीं पता क्योंकि हमने अपडेट ही नहीं किया हुआ। इज दैट क्लियर? तो अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन को, जी जवाब क्लियर है, अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे किससे, पार्ट बी में आपको कहा जा रहा है कि आपने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को यूज करना है, ऐसा सिस्टम जिसमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स कंटिन्यूअसली अपडेट हो रहे हो, और ये भी आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको कॉस्ट फॉर्मूला ना पता हो, ठीक है। तो अब आपको ये बताया जा रहा है कि आपने फीफो यूज करना है। अब उसके लिए जो आपने स्टॉक लेजर कार्ड बनाना है उसमें आपके पास 10 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। डेट का कॉलम, परचेजेस का कॉलम,
सेल्स का मेजर कॉलम है, इसी तरह आखिरी मेजर कॉलम होगा बैलेंस का, जिसमें अगेन तीन एडिशनल कॉलम्स होंगे, यूनिट, रेट और बैलेंस टोटल, सॉरी, ठीक है, यूनिट, रेट और टोटल। तो ये आपके पास टोटल कितने बनते हैं, परचेजेस की मेजर हेडिंग उसमें तीन कॉलम, सेल्स की मेजर हेडिंग उसमें तीन कॉलम, बैलेंस की मेजर हेडिंग उसमें तीन कॉलम, तो तीन 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 नौ और एक डेट की कॉलम, यानी के 10। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है और हमने अब डेट वाइज देखना है कि क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। तो सबसे पहली आपके पास डेट कौन सी आई, 1 अप्रैल 2016 को आपने 10 सोफा खरीदे एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज पर यूनिट। तो आपने यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट डाली, परचेजेस में आएंगे क्योंकि ये परचेजेस थी, 10 यूनिट्स आपने खरीदे थे एट द रेट ऑफ 10,000 रुपीज पर यूनिट। रेट में आपने पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ स्टॉक को जो है वो ब्रॉड डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं है ही नहीं ना, तो ना लिखे। अकाउंटिंग में अभी इतनी बात मेरे हाथ से आपको समझ आ गई होगी कि जो चीज नहीं है उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, टाइम क्यों लगाएं अपना वहां पे, ना जब हमें ब्रॉड डाउन कुछ नजर नहीं आ रहा, जब कोई ओपनिंग ब्रॉड डाउन है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये बिजनेस ही आपने अभी शुरू किया है, ये वही वाला सवाल है कल वाला, ठीक है। तो बिजनेस आपने अभी शुरू किया है, तो आपने पहला काम ही क्या किया, सिर्फ आपने परचेजेस की, यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू टोटल, रेट आपका हमेशा होगा पर यूनिट। आपने 10 यूनिट खरीदे, हर यूनिट की कॉस्ट थी 10,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,00,000 रुपए। कैसे किया, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू 1,00,000। जब आपने ये ट्रांजेक्शन परचेजेस के कॉलम में डाल दी, याद है जैसा रनिंग बैलेंस लेजर हमने किया था, रनिंग बैलेंस लेजर में भी आप डेबिट या क्रेडिट करके क्या करते थे, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस का कॉलम लाजमन अपडेट होता था, राइट। और बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जिस तरह मैंने आपको बताया था, रनिंग बैलेंस लेजर में हर ट्रांजैक्शन के बाद का क्या बैलेंस है वो हमें पता लग जाता है, लेकिन टी अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ मंथ एंड का हम बताते हैं, जिस टाइम पे हमें क्लोजिंग करनी है सिर्फ उसी डेट का हमें बैलेंस पता लगता है, राइट। बिल्कुल उसी तरह से पीरियडिक और परपेचुअल भी है, पीरियोडिक में क्लोजिंग के टाइम पे क्या इन्वेंट्री थी आपको उसके बारे में ही पता होगा, क्लोजिंग से पहले क्या इन्वेंट्री थी उसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसी तरह परपेचुअल में क्या होगा, हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या पोजीशन है इन्वेंट्री की वो आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बैलेंस के कॉलम में आना है, आपने ये कहना है मेरे पास 1 अप्रैल को ये परचेजेस करने के बाद क्या पोजिशन हुई, कि मेरे पास 10 यूनिट्स इन हैंड थे जिनका रेट पर यूनिट था 10,000 और टोटल अमाउंट थी 1,00,000। यहां तक क्लियर है सबको, ये करके आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है, एंड दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द फॉर्मेट, आपको लाइन लगानी है, ठीक है। चले अब हम आते हैं डेट के हिसाब से अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है, 1 अप्रैल के बाद, याद है 5 अप्रैल को आप सेल कर रहे हो, अब आपने डेट वाइज चलना है, ठीक है। 5 अप्रैल को अब आप कोई सेल कर रहे हो, कितने यूनिट्स आपने सेल किए, 5 सोफास एट द रेट ऑफ 18,000 पर यूनिट। 18,000 क्या है आपका, 18,000 इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये बात याद रखें, हम लोग अभी कर रहे हैं कॉस्टिंग, हमें अभी सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है। तो आपने ये कह देना है, ये भी क्या है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में भी हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ही तो निकाल रहे हैं, यानी कि इसमें भी हमने सेलिंग प्राइस को तो हाथ ही नहीं लगाना। चले ठीक है, अब हम आ जाते हैं इधर। अब ये क्या हो रही है, 5 अप्रैल की आपने डेट डाली, 5 अप्रैल की डेट डाल के अब आप आएंगे सेल्स के कॉलम में, उसमें आपने लिख दिया कि आपने 5 सोफा यानी कि 5 यूनिट बेचे, ठीक है। अब आगे सवाल ये आता है, रेट में फिर क्या लिखेंगे। अब ये बात याद रखें, आप यहाँ पे सेल्स के कॉलम में मौजूद हैं, लेकिन बेसिकली अभी आपने यहाँ पे सेल प्राइस नहीं रिकॉर्ड करनी, सेल्स रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करना, हम सारा काम कर रहे हैं कॉस्टिंग के एम्बिट में रहते हुए, ठीक है, सही है। तो अब आपने क्या कहना है, अब आपने जाना है एक लाइन पहले, अब आपने आ जाना है इस एक लाइन पहले जो बैलेंस का कॉलम है उसमें आ जाना है। आपने ये कहना है
कि मैंने 5 अप्रैल को जो यूनिट बेचने हैं वो कौन से बैच में से बेचने हैं, वो इसी बैच में से बेचने हैं जो कि आपने 1 अप्रैल को परचेज किए थे। यानी कि 1 अप्रैल के बाद आपके पास ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, पड़ी हुई है, और अल्टीमेटली 5 अप्रैल को जब आप बेचने जाओगे तो आप इसी में से सोफाज निकालोगे, राइट? तो आपने क्या कहना है कि जो मैंने 5 सोफाज बेचे हैं उनका रेट पर यूनिट, वो कौन से बैच से बिलोंग करते हैं? वो ऐसे बैच से बिलोंग करते हैं जिनका रेट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट था 10,000 और टोटल कॉस्ट कितनी थी? 50,000। यहां तक क्लियर है सबको? जुलैखा, जवाद। ये करने के बाद आपको दोबारा बैलेंस का कॉलम अपडेट करना है। अब कैसे करेंगे? अब आपको ये लॉजिकली भी समझ में आ जाना चाहिए कि अगर आपके पास सेल करने से पहले 10 यूनिट्स मौजूद थे, उसमें से आपने 5 यूनिट्स बेच दिए, तो बच कितने गए? 5 यूनिट्स, ठीक है? उन 5 यूनिट्स की कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? वही ऊपर वाली है ना, और टोटल कॉस्ट अब इनकी कितनी रह गई? 50,000। और इसके नीचे भी आपने लगा दी एक लाइन, ठीक है? फिर हम आते हैं 5 अप्रैल की भी ट्रांजैक्शन कर ली, अब आ रही आई 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को अब आप दोबारा कुछ परचेज कर रहे हो और नया बैच परचेज कर रहे हो, और ऐसा बैच, सॉरी, हाँ, आप एक काम करो, आप एक कर लो, क्योंकि आप लोगों ने तो चले किया हुआ है ना, ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जो पहली दफा पढ़ रहे हैं, शौसमान है, और तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मोशन, तो मुझे वो थोड़ा करके मुझे ये कंप्लीट करने दें, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपसे करवाऊंगी, ठीक है? तो जस्ट बेयर विद मी, जिनको आता है, मुझे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो पहली दफा कर रहे हैं उनको तो बताना है ना प्रॉपरली, ठीक है? तो अब आपने 10 अप्रैल को आपने अब एक नया बैच खरीदा, अब आपने कहा ठीक है 10 अप्रैल की डेट डाल दी, 10 अप्रैल की डेट डाली, अब आपने कितने यूनिट खरीदे हैं? 7 सोफा खरीदे हैं जिनका रेट पर यूनिट कितना था? 12,000। आपने परचेजेस के कॉलम में 7 लिखा, यहाँ पे लिखा 12,000, और इधर टोटल कितना आ गया? 84,000। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट? अब हम आएंगे दोबारा बैलेंस के कॉलम में। अब मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि फीफो में हमें क्या करना है, हर बैच को सेपरेटली आइडेंटिफाइड रखना है, अलग अलग रखना है, डिस्टिंग्विश रखना है ना? हमने सारे बैचेस को मिला नहीं देना, हमने जो नया बैच खरीदा उसको अलग करके रखना है, पुराने बैच को अलग रखना है। क्यों? क्योंकि हम फीफो में हैं, जब तक हमें ये बात नहीं पता लगेगी कि ये वाला वो बैच है जो हमने पहले खरीदा था, तो हम उसको बेचेंगे पहले कैसे, है ना? अगर हमने सारे बैचेस को मिक्स कर दिया तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या, अब आप देखेंगे 10 अप्रैल को पोजीशन क्या है, 5 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि पुराने बैच के अभी भी पड़े हुए थे, आपने 7 यूनिट्स एक नए बैच में आपने खरीद लिए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि जो बैच आपके पास पहले से पड़ा हुआ है उसको लिखेंगे सबसे ऊपर, और ये सबसे ऊपर लिखना बहुत जरूरी है। फिर आपने लिखना है वो वाला बैच जो कि आपने अभी खरीदा, 7, 12,000 और 84,000। तो आपके पास ये बैलेंस का जो कॉलम है ये अभी 2 लाइंस के ऊपर आ जाएगा ना, ऑब्वियसली 2 लाइंस पर आ जाएगा। एक लाइन में आप 5, 10,000 और 50,000 लिखेंगे, और दूसरे में 7, 12,000 और 84,000, ठीक है जी? अब यहाँ पे देखते हैं मतलब क्या है इसका। अभी आपको पता लग रहा है कि 10 अप्रैल की आखिरी आखिरी मतलब सेकंड पे जब आप खड़े होकर देख रहे होगे कितनी इन्वेंट्री है, तो आपको नजर आ रहा है कि नाउ देर आर 2 डिफरेंट बैचेस ऑफ सोफाज। एक बैच 5 यूनिट्स पे मुश्तमिल है जो कि आपने खरीदा था एट द रेट ऑफ 10,000 पर यूनिट, और दूसरा बैच 7 यूनिट्स का है जो कि आपने आज के दिन खरीदा है फॉर ₹12,000 पर यूनिट, और आपको अलग अलग वो नजर भी आ रहे हैं, ठीक है जी? अब हम आते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। 10 अप्रैल के बाद डेट के हिसाब से अगली ट्रांजैक्शन आती है ये सेल की। अगेन 22,000 इज द सेलिंग प्राइस, हमें इससे कोई लेना देना अभी नहीं है। अब आप आ गए 19 अप्रैल की, आपने यहाँ पे डेट डाल दी। कितने यूनिट्स आपने बेचने हैं? आपने बेचने हैं 8 सोफाज बेचने हैं। अब आपने, आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि आपने इसको लिखना है सेल्स के कॉलम में, लेकिन अब किस तरह से लिखेंगे रुक जाएंगे।
अब आपको क्वेश्चन में आपने रीड किया कि 8 सोफाज बेचने हैं, आपने करना क्या है, बिल्कुल उसी तरह से आपने एक लाइन पहले जो बैलेंस का काम किया हुआ है उसको देखा। आपने कहा ये मैंने 8 सोफाज बेचने हैं, फीफो कॉस्ट फॉर्मूला में हम खड़े हुए हैं, यानी कि जो पहले बैच खरीदा था, जो पुराना बैच था उसको पहले बेचना है। 8 सोफाज बेचने हैं जिसमें से आप देख रहे हो 5 सोफाज तो ये वाले हो जाएंगे, यानी कि आपने जो पहले बैच खरीदा था, पुराना बैच था, ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा सेल। फिर आपको 3 और सोफाज बेचने, टोटल 8 बेचने, जिसमें से 5 ये हो गए। अब रिमेनिंग 3 इस वाले बैच में से हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, अलग अलग करके ही लिखेंगे। आप ये कहोगे 5 सोफाज मैंने इस दिन पे बेचे जिनकी कॉस्ट पर यूनिट थी 10,000 और टोटल कॉस्ट थी 50,000, और 3 सोफाज मैंने उस बैच में से बेचे जिनकी कॉस्ट पर यूनिट थी 12,000 और इनकी टोटल कॉस्ट हो गई 36,000। 3 × 12 = 36,000। ठीक है जी, ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन बैलेंस का कॉलम अपडेट करना है। जब आप बैलेंस के कॉलम में आते हैं तो आपको नजर आता है कि 10,000 पर यूनिट वाला बैच तो पूरा का पूरा हो गया सेल, यानी कि ये तो हो गया जीरो। 12,000 वाला जो बैच था उसमें से 3 यूनिट्स आपने बेच दिए, बच कितने गए 4। इनका रेट पर यूनिट वही 12,000 और अब इनकी टोटल कॉस्ट होगी 48,000। ये करके आपने इधर लाइन लगा दी। ठीक है जी, फिर आपकी एक और ट्रांजैक्शन है, आपकी 19 अप्रैल के बाद डेट के हिसाब से एक और ट्रांजैक्शन आ गई और वो है परचेज की। 26 अप्रैल को 10 सोफाज आप खरीद रहे हो एट द रेट ऑफ 13,000 पर यूनिट। आपने यहाँ पे 26 अप्रैल की डेट डाली, आपने कहा हमने 10 यूनिट खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 13,000 पर यूनिट, यानी कि टोटल हो गया उनका 1,30,000। अब आपने कहना है कि दिन के आखिर में क्या पोजीशन थी। अब आपके पास एक बैच तो पहले से पड़ा हुआ है, वो आपने लिख लेना है पहले लाइन में, और फिर आपने देखना है कि आज के दिन जो मैंने एक नया बैच खरीदा 10 यूनिट्स का, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट थी 13,000 रुपए और टोटल कॉस्ट थी 1,30,000, एंड दैट्स इट। 26 अप्रैल के बाद कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि 26 अप्रैल के डे एंड पे ये पोजीशन थी और यही पोजीशन आपकी कौन सी दिन पे आ गई, 30 अप्रैल पे भी यही हुआ। अगर आपको याद हो रनिंग बैलेंस लेजर में भी हमने ये बात की थी, जो सबसे आखिरी बैलेंस आता है लेजर के अंदर वही आपका कैरेट डाउन होता है। तो यहाँ पे भी आखिरी ट्रांजैक्शन अपेरेंटली आपको नजर आ रही है 26 अप्रैल की, राइट? 26 अप्रैल की आपको आखिरी ट्रांजैक्शन नजर आ रही है, लेकिन यही पोजिशन आपकी 30 अप्रैल पे भी होगी। अब इधर आ जाए, अब अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड व्हाट इज द कॉस्ट, आपने क्या कहना है। देखे, अब यहाँ पे लाइन लगाने की सिग्निफिकेंस यही आ जाएगी कि अब आप ये कहोगे क्लोजिंग पोजीशन सिर्फ ये वाली है, जो मैंने डब्बा बनाया, क्लोजिंग पोजीशन सिर्फ ये वाली है, इससे ऊपर वाली को हमने इग्नोर कर देना है। अब हमने क्या कहना है, क्लोजिंग यूनिट कितने हैं 14, टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है 48,000 प्लस 1,30,000 178,000। यहां तक क्लियर है? अब अगर आप एक बात नोट करें, कल वाली जरा अपनी वर्किंग निकालें, पीरियोडिक वाली, पीरियोडिक के अंदर फीफो मेथड से जो आपने कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाला था वो भी 1,78,000 ही आया था, और परपेचुअल के हिसाब से फीफो को यूज करते हुए आपने जो क्लोजिंग स्टॉक निकाला वो भी 1,78,000 हुआ। हमेशा यही होगा, फीफो का आंसर भले पीरियोडिक के पीरियोडिक से निकालें या परपेचुअल से निकालें, फीफो कॉस्ट फॉर्मूला में आपका आंसर
सेम आएगा, ठीक है? जी जुलेखा एंड जवाद, क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये आप इधर नोट कर लें इसको कि परपेचुअल और पीरियोडिक के अंदर फीफो मेथड से आपके आंसर सेम आएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को ही यूज करते हुए, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को ही यूज करते हुए हमें यूज करना है एब को या वेटेड एवरेज, ठीक है? चले जी, अब इसमें भी हमें क्या करना है, उसी तरह से स्टॉक लेजर कार्ड बनाना है, डेट, परचेजेस आ गया, परचेजेस के यूनिट, रेट, टोटल, इसी तरह आपने टोटल करके तो नहीं, हाँ मैं बताती हूँ अभी, टोटल करके नहीं बताया, हाँ मैं बताती हूँ बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी बताती हूँ आपको, ये कर लू ना फिर इंशाल्लाह, ठीक है? वो भी बताना है मुझे, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा स्टॉक लेजर कार्ड जो हमने पहले पार्ट में बनाया, और फिर इसका पार्ट बी पर आ जाए। अभी हमने याद रखिएगा सिर्फ क्या निकाला है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकाली है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाला अभी तक हमने, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी तक नहीं निकाला, वो अभी करते हैं। पहले वेटेड एवरेज पे जरा आ जाए, वेटेड एवरेज को जरा देख लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे करेंगे। परपेचुअल में आ गए, परपेचुअल में याद रखना है आपने डेट वाइज ऑर्डर में चलना है, 1st अप्रैल, फिर 5th अप्रैल, फिर 10th अप्रैल, फिर 19th और फिर 26th, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास एग्जैक्टली उसी तरह से आपने कहा 1st अप्रैल को हमने परचेजेस की हैं, कितने की परचेजेस की हैं, 10 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ 10,000 पर यूनिट, और टोटल आ गया उसका 1 लाख, और यही फिर आपने बैलेंस के कॉलम में भी अपडेट कर दिया कि आपने 10 यूनिट खरीदे एट द रेट ऑफ 10,000 और टोटल आ गया उनका 1 लाख। ये करने के बाद आपने लगा दी यहाँ पे लाइन। फिर अगली ट्रांजैक्शन आपकी हो रही थी 5th अप्रैल को, 5th अप्रैल को आपने 5 यूनिट बेचे, और कौन से बैच में से बेचे, ऐसे बैच में से बेचे जिसका रेट पर यूनिट 10,000 आ रहा है और टोटल कॉस्ट उसकी आ गई 50,000। फिर अगेन आपने फीफो की तरह इस कॉलम को अपडेट किया, आपने कहा 10 में से 5 यूनिट निकल गए, एक ही बैच है ना अभी, अभी तक जितनी देर जब तक एक बैच होगा तब तक फीफो और आपको सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई नया बैच आएगा अब हम उसको देखेंगे, फिर जाके दोनों की ट्रीटमेंट में अलग डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? तो सो फार आपको में एक ही बैच है, एक ही बैच आपने खरीदा था, उसी बैच में से आपने सेल किया, तो ये वाला पार्ट फीफो से एग्जैक्टली मैच करेगा। आपने बिल्कुल उसी तरह से 10,000 यहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा 50,000, यहाँ तक आपने कहा फीफो में और आपको में कोई फर्क नहीं है। अब फर्क आएगा कब, 5th अप्रैल के बाद आपने 10th अप्रैल को 7 सोफा खरीदे एट द रेट ऑफ 12,000 पर यूनिट, आपने 10th अप्रैल की डेट डाली, 7 सोफाज आपने खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 12,000 पर यूनिट, यहाँ पे आपने उसी तरह से सोफा उसी तरह से आपने परचेजेस के कॉलम में तो उसी तरह लिखना है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, बैलेंस के कॉलम में इधर आ जाए। अब हम कौन से कॉस्ट फॉर्मूला में खड़े हैं, हम खड़े हुए हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला में, यानी कि हम लोगों ने अपने सारे बैचेस को क्या कर देना है, सिमिलैरिटी दे देनी है, हमने कहना है कोई बैच सेपरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है, सबको हमने क्या कर देना है, मिला देना है। अब यहां देखें बैलेंस के कॉलम में आप किस तरह से अपडेट करेंगे, आप आएंगे एक लाइन पहले, आपको नजर आ रहा है कि आपने ये यूनिट जब तक नहीं खरीदे थे 7 यूनिट, उससे पहले आपके पास यूनिट मौजूद थे 5, आपने 7 यूनिट और खरीद लिए आज, और आज डे एंड पे आप क्या कहोगे, मेरे पास टोटल 12 यूनिट मौजूद है इन हैंड,
तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने यूनिट्स को दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा आपने स्टेप क्या करना है, आपने कहना है जो मेरे पास इन्वेंट्री आज के दिन से पहले पड़ी हुई थी उसकी कॉस्ट थी 50,000, मैंने आज के दिन फर्दर इन्वेंट्री जो खरीदी उसकी कॉस्ट कितनी है 84,000। इन दोनों को ऐड करेंगे आप ये कहोगे कि आज डे एंड पे मेरे पास जो टोटल इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी टोटल कॉस्ट है 1,34,000। तो पहले आपने यूनिट्स को ऐड किया, फिर आपने टोटल्स को ऐड किया, और अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे रेट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट, राइट। आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 1,34,000, आपको टोटल यूनिट्स गिवन है, आपने करना क्या है 1,34,000 डिवाइडेड बाय 12, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, आंसर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। और जब आप ये काम करते हैं, ये आपने फास्ट कैलकुलेट करना है, जब आपने ये काम किया तो आपके पास आंसर आया 11,167, और एक ही लाइन में आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री पोजिशन आ गया और आपने लाइन यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपके पास इस लेवल पे 10th अप्रैल पे आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास दो बैचेस आ गए, दो बैचेस मौजूद हैं जिनको आपने मिला दिया। अब उसमें से एक बैच है जिसका रेट पर यूनिट था 10,000, दूसरे का रेट पर यूनिट है 12,000, यानी कि जब हमने उनको मिलाया तो अब ऑन एन एवरेज हम क्या कहेंगे, हमने क्या कर दिया, हमने टोटल कॉस्ट को इक्वली डिवाइड कर दिया जितने भी हमारे पास यूनिट पड़े हुए थे, और हमने कहा हम नहीं जानते 10,000 को, हम नहीं जानते 12,000 को, हम ये बात कहेंगे कि हमारे पास 12 यूनिट मौजूद हैं और हर यूनिट की ऑन एन एवरेज कॉस्ट हमें पड़ी 11,167। हालांकि कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ का की गुंजाइश होती है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका जो एग्जामिनर है, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है ना कि आपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट रूपी, अगर ये बात उसने बोली हुई है कि आपने राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट रूपी, और अगर आप इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और अगर आप टू डेसिमल प्लेसेस या वन डेसिमल प्लेस पे ले जाते हैं तब अगर आपके आंसर में डिफरेंस आएगा तो वो पिनलाइज कर सकता है, क्योंकि उसने खासतौर पर आपको बोल दिया है कि आप लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं राउंडिंग ऑफ करनी है, और अगर उसने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपकी मर्जी है आपने जिधर तक राउंडिंग ऑफ करनी है करें, तो उसमें फिर वो गुंजाइश रखेगा, ठीक है। अगर उसने इंस्ट्रक्शन दी हुई है और आपने पेपर के ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़नी हो सकता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में लिखा हो कि जहां पे डेसिमल्स में आंसर आए वहां पे आपने टू द नियरेस्ट रूपी ले लेना है, या टू द नियरेस्ट या टू डेसिमल प्लेसेस पे लेना है या वन डेसिमल प्लेसेस पे लेना है, ठीक है। तो अगर तो कोई इंस्ट्रक्शन गिवन है तो यू हैव टू फॉलो दैट, अदरवाइज योर आंसर वुड बी पीनलाइज। और अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन रिगार्डिंग राउंडिंग ऑफ, तो फिर आप जो भी काम करेंगे एग्जामिनर वुड गिव यू लेवरेज फॉर दैट, ठीक है जी। तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट रूपी, अब यहाँ पे हम आ गए, ठीक है, हमने 10th अप्रैल की पोजीशन को भी क्लोज कर दिया। अब क्या हो रहा है, 19th अप्रैल डेट आ गई और अब आप बेच रहे हो 8 सोफास, ठीक है। अब आपने लिखा 19th अप्रैल, फीफो में हम क्या करते थे, हम देखते थे बैचेस कौन कौन से हैं, चलो इधर भी देख लेते हैं। इधर जब हम एक लाइन पहले नजर दौड़ाते हैं इधर, तो हमें नजर आ रहा है एक ही बैच मौजूद है ना, तो अब हमें अलग अलग लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमने लिखा एज इट इज 8, हमने कहा आज की डेट पे हमने 8 सोफाज बेचे हैं जिनकी कॉस्ट पर यूनिट क्या है 11,167, ठीक है। चलिए जी आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से मल्टीप्लाई करें, अब आपने बैलेंस की कॉलम को अगेन अपडेट करना है, ठीक है। बैलेंस के कॉलम को जब आपने अपडेट किया, अब आपकी मर्जी है आपने इसमें जो सा भी अप्रोच यूज करें सेल्स के केस में, चले उसी तरह से करते हैं जिसने हमने ऊपर किया, ठीक है। या बेहतर ये है कि आप अच्छा आंसर दोनों से इतना कोई डिफरेंस आएगा नहीं, राउंडिंग ऑफ का एरर आ सकता है, चले आप इसी तरह से कर लें कि आप ये कहें कि जी 12 यूनिट्स पहले एक एक
दिन पहले मौजूद थे, आपने 12 में से 8 यूनिट्स बेच दिए, बच कितने गए? 4, ठीक है। इसी तरह 1,34,000 यूनिट्स आपके कॉस्ट थे, कॉस्ट की टोटल उसमें से 89,336 के आपने बेच दिए, बच कितने के गए? 1,34,000 माइनस 89,336 करें, क्या आंसर आ रहा है? यह काम ही करें इस तरह से ज्यादा सही रहेगा। इतनी बात आप नोट कर लें कि सेल जब भी हो, सेल के केस में आपने एज इट इज ऊपर वाला रेट लिख देना है, इस तरह से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। सेल के केस में आपने एज इट इज ऊपर वाला रेट, हाँ सिंपल इस तरह से कर दें, दोनों तरीकों से आपका आंसर में कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं आएगा, रेट आपका तकरीबन 11,167 के आसपास ही आएगा अगर आप ऊपर वाले मेथड को फॉलो करते हो। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब हम वेटेड एवरेज यूज करेंगे तो ये बात को जरा अपने पास लिख लें कि आपका रेट चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ परचेजेस के केस में। जैसे ही कोई परचेज होगी तो फिर हमारा रेट, एवरेज रेट चेंज हो जाएगा, सेल होगी तो हमारे एवरेज रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी जल्दी से सॉल्व करें, क्या आंसर आ रहा है? फोर 46,668। अच्छा, आप लोगों का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 44,664, तकरीबन 2,000 का, इतना तो नहीं आना चाहिए। जवाब आप 11,167 पे करो, 11,167 मल्टीप्लाइड बाय 4। कितना आ रहा है? 44,668। अच्छा 44,668, ठीक है। तो आपने यहां पे लिख दिया 44,668। तो अब आपके पास ये पोजीशन हुई 19 अप्रैल को, जो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है 4 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 11,167, यानी कि टोटल कॉस्ट आ गई 44,668। अगली और आखिरी ट्रांजैक्शन आपकी थी 26 अप्रैल को, आपने परचेजेस की थी 10 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 13,000 पर यूनिट और टोटल थी 1,30,000। ये बात याद रखिए कि फीफो और एफको में सिर्फ डिफरेंस कौन से कॉलम्स में आएगा? सेल्स के कॉलम में, है ना। जैसा यहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा था, और बैलेंस, बैलेंस का कॉलम तो वैसे ही डिफरेंट आ रहा है, परचेजेस का कॉलम बिल्कुल वैसे ही फिल होगा जिस तरह फीफो में हमने किया था, ठीक है। तो परचेजेस के कॉलम में हमने लिखा 10 यूनिट्स परचेज किया, दे रेट ऑफ 13,000 पर यूनिट और टोटल कॉस्ट थी 1,30,000। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आएंगे दोबारा से बैलेंस के कॉलम में। आपने अपने पास ये गिरा में बात बांध लेनी है कि बैलेंस के कॉलम में एवरेज रेट आपका चेंज होगा एट द टाइम ऑफ 12। अच्छा चलो ठीक है, जुलेखा 4 रुपए का डिफरेंस, छोड़ो रहने दो, ठीक है, जस्ट लेट इट गो, 4 रुपए का तो डिफरेंस है, छोड़े, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये कहा कि बैलेंस के कॉलम में जो रेट का अमाउंट है वो चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ परचेजेस के केस में। परचेजेस के कॉलम में जैसे ही कोई एंट्री होगी हमारा रेट हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब आपने देखा, आपने कहा ये परचेजेस के कॉलम में एंट्री हो गई, ओहो इसका मतलब है अब हमारा एवरेज रेट जो है वो 11,167 से चेंज होके किसी और फिगर पे आ जाएगा। आप कहेंगे वेरी गुड, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 4 यूनिट्स मौजूद थे पहले, फर्दर आपने 10 यूनिट्स खरीद लिए, टोटल यूनिट्स कितने पे आ गए? 14। सेकेंड आपने क्या करना है, 44,668 टोटल कॉस्ट थी पहले, फर्दर एड हो गया 1,30,000, अब टोटल इस टोटल कॉलम का कितना हो जाएगा, 1,74,668। और तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरा काम आपने करना है एवरेज रेट की कैलकुलेशन। जब आप एवरेज रेट की कैलकुलेशन करेंगे सो इट वुड कम टू बी एट अराउंड 12,000 समथिंग।
12 1 2 4 7 5, यही है 1 2 4 7 5। आपने कहना है वेरी गुड, ये चेंज हो जाना चाहिए था। और क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हमने परचेज किया। तो अब आपके साथ अगर आपसे मैं पूछूंगी 30 अप्रैल पे क्या पोजीशन थी स्टॉक की, आप कहेंगे 14 यूनिट्स मौजूद थे जिनकी टोटल कॉस्ट थी 174,668। ठीक है, तो आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में देखें क्या हो रहा है। मुझे 5 अप्रैल की पोजीशन भी पता है, राइट? 1247.5 नहीं हो सकता, करें इसको ठीक, 174,668 है, एट नीचे मैंने लिखा है, 174,668 डिवाइडेड बाय 14, 12476, ठीक है, 12476 आपका आंसर आ जाएगा। और 174,668 इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लैसा जिस तरह से भी किया, ठीक है, चले जी। अब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, 2-3 नंबर डिजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप बस कैलकुलेशन अपनी फिगर्स के हिसाब से ही कर लो जितना भी आ रहा है, ठीक है, चलें। तो अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूंगी जी, पीरियोडिक में मुझे अगर बताया कि 6 अप्रैल की क्या पोजिशन थी, पीरियोडिक कैलकुलेशन आपने खोली, आपने कहा ओहो हम तो 6 अप्रैल की पोजिशन बता ही नहीं सकते, हमने जो कैलकुलेशन किए हैं हमने अपने आप को सिर्फ उधर तक ही लिमिट करना है। वो तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने यूनिट थे 6 अप्रैल को, वो तो आप मुझे फॉरन से कैलकुलेट करके बता सकते हो, लेकिन कॉस्ट तो फिर भी नहीं बता सकोगे ना, उसके लिए तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप मुझे ये कहोगे कि जी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में मैंने सिर्फ इस हद तक ही कैलकुलेशन की है, बहुत बहुत शुक्रिया, उसी हद तक कैलकुलेशन करनी है जिस हद तक हमने कल की थी, उसके अलावा और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं आपसे पूछूंगी क्यों नहीं मुझे बता सकते आप 6 अप्रैल की पोजीशन, आप कहेंगे क्योंकि हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप मेरे से 30 अप्रैल की पोजीशन मांगेंगे तो वो रेडी हालत में मौजूद है, लेकिन जो मैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम पे आती हूँ तो भले मैं 6 अप्रैल की पोजीशन पूछूं, आप देखिए मुझे बताएं 6 अप्रैल यहाँ पे अपेरेंटली डेट्स में कहीं नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 6 अप्रैल को क्या पोजीशन थी तो आप कहोगे वही पोजीशन होगी ना जो उससे एक डेट पहले आ रही है, 5 अप्रैल, यानी कि 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक पोजीशन क्या थी, क्या आपके 12 यूनिट्स मौजूद थे? नहीं, 5 यूनिट्स मौजूद थे, ये है आपके 5 यूनिट्स मौजूद थे, 10 अप्रैल को जाके फिर चेंज आ रहा है। मैं आपसे पूछूं 12 अप्रैल को क्या पोजीशन थी, आप ये कहोगे कि जी 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक क्या पोजीशन रहेगी, ये वाली जो कि 10 अप्रैल के आगे नजर आ रही है, 12 यूनिट्स मौजूद थे। तो आप मुझे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ड्यूरिंग द मंथ किसी भी डेट की पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है, चले ये बात तो हो गई। अब हमने देख लिया क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट किस तरह से निकलती है, हमारा दूसरा सवाल था आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी निकालनी थी और साथ ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकालनी थी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप किस तरह से निकाल सकते हैं, अगेन उसमें दो तरीके हैं, लेकिन एक जो सबसे आसान और सबसे मजे का तरीका है वो क्या है, जरा आप सेल्स के कॉलम में आए, सेल्स के कॉलम में ये हमारी टोटल अमाउंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, जस्ट द टोटल सेल प्राइस, ये जो फिगर्स लिखी हुई है आपने टोटल के कॉलम में 50,000, 50,000, 36,000, ये क्या है, इज दिस द टोटल सेल प्राइस? नहीं, तो फिर ये क्या है, ये अमाउंट क्या है, 50,000 इज व्हाट? बिल्कुल ठीक, 50,000 इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, 36,000 इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट सोल्ड, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने सेल्स के टोटल कॉलम को टोटल करूं, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 1,36,000 का, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर अप्रैल, ठीक है, सो दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर अप्रैल। अगर आप
इसको फॉर्मूले से करना चाहें फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं था, परचेजेस किस तरह निकाल सकते हैं, इन सारे टोटल्स को ऐड कर दें. तो आपने कहा 1,130,1314 ट्रिपल जीरो. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है ही है, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बता दिया. फॉर्मूले को यूज करेंगे तो उसमें परचेजेस आएगा, स्टॉक लेजर कार्ड को यूज करेंगे तो उसमें सिंपली ये वाला टोटल. ठीक है, इसी तरह यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, आप कहेंगे रुक जाए जी दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस 314,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट ये रही 174,668 ये आंसर निकालू, या सेल्स के कॉलम में जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, दो ही आइटम्स आ रहे हैं 89,336 और 8, जरा दोनों से कैलकुलेट करें, यही आंसर आ रहा है 1,893,336 आंसर आना चाहिए इफ यू यूज द फॉर्मूला 314,000 माइनस 174,668 करें, यही आंसर आ रहा है, या क्लोज टू दिस फिगर आ रही है, एक या दो रुपए का फर्क हो सकता है. बिल्कुल ठीक, सही है. तो दिस इज अ मोर डायरेक्ट मेथड. आपको अगर स्टॉक लेजर कार्ड बनाया जाए, बनाने को कहा जाए, आप इस तरह से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब इधर आ जाएं जल्दी से, कोई बात नहीं, 4 रुपए का फर्क चलता है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ सकता है. अब आपको ये नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें अब मैंने देखे यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बात की थी डीलर की. डीलर के लिए हर इन्वेंट्री क्या होती है, फिनिश गुड, राइट. तो लेदर सोफाज उसकी क्या थी, फिनिश गुड थी. यहां पे मैंने बात की रॉ मटेरियल्स की. ठीक है, क्या आंसर आ रहा है आपका जुलेखा, जी ओपनिंग स्टॉक प्लस 314,000 माइनस 174,668 कितना डिफरेंस आ रहा है. सुलेखा जी ऐसे हो नहीं सकता, 239,332 ओपनिंग स्टॉक आपका जीरो है, 314,000 माइनस 174,668 बच्चे बच्चे 139, आप ये 174 है, आप अपने सोल्यूशन में देखो ना, इस सर्कल में ये रह गया, ये 1 है, 174,668 है. हाँ ठीक है, चले अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आए. क्वेश्चन नंबर 2 आपने आपने 1 ले लिया, आपने 1 नहीं लिया, आपने 74,668 ले लिया. ठीक है जी, चले कोई बात नहीं. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें बात हो रही है रॉ मटेरियल की. ठीक है, अब रॉ मटेरियल का आप जरा टाइटल देखें, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी सॉल्व करने के लिए. शाहजहां इंक यूजेस शुगर एज वन ऑफ इट्स मेजर रॉ मटेरियल. द फॉलोइंग figures relate to this material during the month of December 2015. आपको इसी तरह purchases नजर आ रही हैं, ठीक है, और जब आप नीचे आ रहे हो तो आपको sales का heading नजर नहीं आ रहा, issues to the production floor नजर आ रहा है. और ये बात आपको पता भी है, raw material आप purchase करके बेचते नहीं हो, raw material आप purchase करके क्या करते हो, सेल करने के बजाय इशू कर देते हो अगले डिपार्टमेंट में, यानी कि प्रोडक्शन के लिए भेज देते हो. तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, सेल्स की तरह ही इस इश्यूज की ट्रीटमेंट होगी. ठीक है, बिल्कुल सेल की तरह ही आपने इसको लेके चलना है, सिर्फ टर्म में डिफरेंट हो जाएगा आपका, सेल्स के बजाय अब आप यूज करोगे इश्यूज का नाम. इश्यूज से भी इन्वेंट्री कम हो रही है, सेल्स से भी इन्वेंट्री कम होती है. ठीक है,
तो हमने करना क्या है, सिर्फ ये एक डिफरेंस है और एक डिफरेंस ये आ गया कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी मौजूद था 6 टन ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 120 पर टन। ठीक है, रिक्वायरमेंट पर आए, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। अब क्या अजम्पशन लिखी हुई है, परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर मेंटेन्ड। इसका क्या मतलब हुआ, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, द राइट, इट्स लाइक अ पेरेंट है ना, परपेचुअल का टर्म इस्तेमाल कर दिया तो इट्स लाइक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, व्हाट एल्स कुड इट बी, है ना। पार्ट बी में आते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर नॉट मेंटेन्ड। तो अब जरा मुझे खुद जवाब दें, अगर मैं आपको कहूं कि इन्वेंट्रीज परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहे, तो आप मुझे कहेंगे अच्छा इसका मतलब है पीरियोडिकली अपडेट होता होगा। अगर इन्वेंट्री रिकॉर्ड परपेचुअली नहीं अपडेट होता, मेंटेन नहीं होता, तो इसका मतलब है पीरियोडिक रिकॉर्ड तो मेंटेन होता ही होता होगा, उसके बगैर तो काम ही नहीं हो सकता। मैं कहूंगी वेरी गुड, ये ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम में टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर नॉट मेंटेन, तो उससे परेशान नहीं होना, उसका मतलब है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो आपको अगेन फीफो और वेटेड एवरेज मेथड को आपने अप्लाई करना है इन ईच ऑफ द टू मेथड, और आपने मुझे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल के देनी है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की क्या ट्रीटमेंट होगी वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, परपेचुअल में जब हम आएंगे ना, अच्छा परपेचुअल पहले ही है तो चले मैं आपको परपेचुअल का बता देती हूँ जो लोग पहली दफा कर रहे हैं। ठीक है, परपेचुअल में अगेन आपको क्या करना है, उसी तरीके से कॉलम्स बनाने हैं, या एक काम ये करें इसको अभी करते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पार्ट बी पहले कर लें, पार्ट बी पहले कर लें। क्वेश्चन मैं आपके सामने छोटा करके ले आती हूँ, चलें जी नजर आ गया, यही क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट बी पहले करें, पहले आप लिखें परपेचुअल इन्वेंट्रीज आर नॉट मेंटेन्ड, इसको अभी के अभी सॉल्व करें, मुझे जवाब दें जल्दी से। ठीक है जुलेखा, जवाब चलें जी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू का सोल्यूशन, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पार्ट बी को हमने पहले अटेम्प्ट किया है। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आ रहे हैं कितने, 17। किस तरह से आए, 6 टन आपके पास मौजूद थे ओपनिंग में, फिर आपने ड्यूरिंग द मंथ इतने सारे टन को परचेज किया और ये वाले टन आपने इशू कर दिए, आपके पास से ये चले गए, तो बच कितने गए महीने के आखिर में, बच गए आपके पास 17 टन। फिर अगर हम फीफो के हिसाब से बात करें, तो फीफो के हिसाब से हम ये कहेंगे कि जो 17 टन बचे हैं उसमें से 16 टन रिसेंटली परचेज बैच में से है, 16 टन तो ये हो गए, और बाकी 1 टन बैच परटेन, इस वाले बैच से परटेन करता है। ठीक है, तो 16 × 135 आंसर आ जाएगा 2160 प्लस 1 × 132 यानी कि 132, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 2292। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वेटेड एवरेज मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से आपने सबसे पहले निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, उसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक इन रुपीज, और वो कैसे आएगा, 6 टन मल्टीप्लाइड बाय 120 पर टन, राइट। तो आपके पास ये आ गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड, इन सबको आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करते रहना है एक दूसरे से, डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट यानी कि 6 प्लस ये वाला टोटल। ठीक है, तो आपके पास जो वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो आएगा 21 यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो यार वेटेड एवरेज रेट आपके पास आ जाएगा इस तरह से, ओपनिंग स्टॉक है आपके पास, वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक इज 6 × क्या आंसर है इसका, 6 × 120। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा आपके पास 720। तो सबसे पहले आपने 720 प्लस ड्यूरिंग द पीरियड आपने परचेजेस कितनी की हैं रॉ मटेरियल की, आप एक एक करके करेंगे, 10 टन खरीदे थे 125 के, फिर 15 टन खरीदे थे 130 के, तो पहले आप 10 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस
15 मल्टीप्लाई बाय 130 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 132 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाय 135। आपने टोटल परचेजेस निकाली 6416, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 6416 डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट थे 6 टन्स के, और ड्यूरिंग द पीरियड आपने कितने टन खरीदे, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 8 प्लस 16, तो टोटल यूनिट परचेज कितने हो गए, 49 टन, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, तो सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पे फिगर लिख देनी है, डिवाइडेड बाय इन दोनों ऐड को ऐड किया और इसको फिर आपने यहाँ पे डिवाइड किया, तो आपके पास वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट आएगा 124.84। आपके पास क्लोजिंग यूनिट्स हैं 17 टन मल्टीप्लाइड बाय 124.84, आपका क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी 2122, ठीक है। अब काम ये करते हैं, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम इसका जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के हिसाब से दूसरा करना है वो हम इंशाल्लाह करेंगे कल, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं अभी तो अपलोड नहीं कर सकती इसको क्योंकि मुझे जल्दी है थोड़ी सी, मैं फिर इंशाल्लाह इस क्लास के बाद ये वाला हैंडआउट जो है वो अपलोड कर दूंगी। जिन लोगों को ये आता है वो क्वेश्चन नंबर 2 को परपेचुअल के तरीके से भी कर लें, कल फिर मैं आप लोगों से सोल्यूशन शेयर करूंगी, जल्दी से इसको गो थ्रू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मेन फोकस है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी एक चीज है जो कि आपकी एग्जामिनेबल कह सकते हैं, ठीक है, इट्स अ बिट डिफरेंट एंड डिफिकल्ट एज वेल, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, ठीक है। जवाब जुलेखा इजाजत है, चलें जी इंशाल्लाह कल मिलते हैं, हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज। और आज मैं इंशाल्लाह ग्रैंड टेस्ट भी कोशिश करूंगी कि मैं अपलोड कर दूं, ठीक है, चलें जी अल्लाह हाफिज।